राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है संसाधनों का वर्गीकरण। विषय वस्तु के आधार पर संसाधनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी पर्यावरण के तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आर्थिक तंत्र के बाहर से प्राप्त होने वाले जैव और अजैव पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के कारकों के रूप में आसानी से उपयोग के योग्य प्रकृति के लक्षण और उत्पाद प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भौतिक लक्षण जैसे भूमि, जलवायु, जल, मृदा, खनिज तथा जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्यजीव और मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं। मानवीय संसाधन। लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधनों का निर्माण करते हैं। लोगों की एक निर्धारित संख्या और गुणवत्ता के घटने पर विकास की गति धीमी भी पड़ जाती है। निरक्षर और कुपोषित जनसंख्या तथा विरल जनसंख्या से विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। सिद्धांततः मनुष्यों को एक संसाधन नहीं मानना चाहिए, वे तो स्वयं उद्देश्य लक्ष्य हैं, जिनके चारों ओर विकास के कार्य चलते रहते हैं। सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक मानव उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं पहचानते। प्राकृतिक परिघटनाओं का संसाधनों के रूप में ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत जैसे ज्ञान, अनुभव, कौशल, संगठन, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार संसाधनों की एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है। मनुष्यों की आवश्यकता और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार और संकुचन होता है। ये विशेषताएं और क्षमताएं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होती हैं। संस्कृति सभी ज्ञान और वस्तुओं का योग है, जिन्हें मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया है। काफी सीमा तक शोषणीयता वैज्ञानिक खोजों और प्रौद्योगिकीय आविष्कारों पर निर्भर करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्कृति के उत्पाद हैं। संस्कृति की उपलब्धता, नवीकरणीयता और विशेषताओं का विस्तार संसाधनों के आपूर्ति आधार को व्यापक बना रहा है। सांस्कृतिक कारक संसाधन को एक अन्य तरीके से भी प्रभावित करते हैं। कुछ संस्कृतियों में पारितंत्रीय सीमाओं में
संसाधनों के उपयोग की एक अंतर्निहित व्यवस्था होती है जिसमें प्रकृति को अपनी हानि को फिर से पूरा करने का समय मिल जाता है। भारतीय संस्कृति इसी वर्ग में आती है। अनेक संस्कृतियां प्राकृतिक परिघटनाओं को जैविक न मानकर भौतिक मानती हैं और इसका शोषण इस सीमा तक करती हैं कि उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति इसी वर्ग की देन है। पहले प्रकार की संस्कृति पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखती है तथा संसाधनों का संरक्षण करती है। इसके विपरीत दूसरे वर्ग की संस्कृति पारितंत्रीय संतुलन को बिगाड़ देती है और कभी कभी संसाधनों का शोषण इस सीमा तक करती है कि स्वयं मनुष्य का जीवन और विकास ही दांव पर लग जाते हैं। स्थायित्व अर्थात टिकाऊपन के आधार पर वर्गीकरण। नवीकरण या पुनरुत्पादन की क्षमता के अनुसार भी प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक रूप से अपना पुनरुत्पादन कर लेते हैं यदि उनका संपूर्ण रूप से विनाश न किया गया हो। वन और मछलियां इनके उदाहरण हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों में स्वयं पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती। इसके उपलब्ध भंडार निश्चित होते हैं। जीवाश्म ईंधन अन्य खनिज आदि अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। इन दो बड़े वर्गों को अर्थात नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को प्रवाह और संसाधन या असमाप्य और समाप्य संसाधन या आपूर्ति और अनापूर्ति संसाधन भी कहा जाता है। कुछ नवीकरणीय संसाधन तभी तक नवीकरणीय हैं जब तक उनका उपयोग प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। उदाहरण के लिए भूमि जल तभी तक नवीकरणीय है जब तक इसका उपयोग पुनर्भरण सीमा से अधिक नहीं होता। इसी प्रकार वन भी नवीकरणीय है यदि इसे उखाड़ा न गया हो और पुनः उगने दिया जाए। अतिशोषण से मछलियां नदियों और झीलों से ही नहीं अपितु कुछ महासागरीय क्षेत्रों से भी नष्ट हो गई हैं। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जो क्रियाकलापों से निरपेक्ष रहते हुए सतत उपलब्ध हैं। सौर तथा ज्वारीय ऊर्जा ऐसे ही संसाधन हैं। यही नहीं, नवीकरणीय संसाधनों का तंत्र जटिल और गत्यात्मक होता है। इस तंत्र के घटक परस्पर क्रिया करते हैं। किसी एक संसाधन का उपयोग दूसरे को प्रभावित कर सकता है। इन संसाधनों का स्वरूप जाल जैसा होता है, अतः इनका विकास समन्वित विधि से नियोजित होना चाहिए, न कि अकेले किसी एक संसाधन का। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। संसाधनों का वर्गीकरण। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति
वंदना अरिमर्दन।